दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली, रोहित शर्मा और एमएस धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत की जीत के चर्चे तो पूरी दुनिया में है और इस बार तो भारत की जीत को देखकर पाकिस्तानियों के पैरों तले जमीन निकल गई है। लेकिन विराट कोहली के 49वें शतक को देखकर, जडेजा के लगातार बैक टू बैक विकेट्स को देखकर, अब तो पाकिस्तानियों ने अपने बयान में कुछ ऐसा कह दिया कि सुनकर आप भी शायद विश्वास नहीं कर पाएंगे। आखिरकार पाकिस्तानी दिग्गज से लेकर खिलाड़ी क्या बोले, उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है, बाबर आजम, विराट कोहली और रोहित शर्मा में बेहतर खिलाड़ी और बेहतर कप्तान कौन है? नीचे कमेंट करके हमें बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 में जीत का एक और चैप्टर लिखने के लिए ईडन गार्डन्स में भारतीय क्रिकेट टीम उतरी और क्या खूब खेली। आपको बता दें कि अफ्रीका की टीम, जिससे अब तक वर्ल्ड कप में बाकी टीमें बुरी तरीके से डरती थी, जिन्होंने ऑलमोस्ट सबको हराया केवल नीदरलैंड्स को छोड़कर, वो आज भारत के सामने पानी भरते नजर आए। ईडन गार्डन के मैदान में जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, वैसे ही दोस्तों भारतीय खिलाड़ियों का तूफानी प्रदर्शन भी। रोहित ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी और खुद आकर लगभग 40 रन बना दिए 24 गेंदों के अंदर। इतना ही नहीं दोस्तों, जब रोहित और गेल आउट हुए तो उसके बाद विराट ने अकेले अपने 49वें शतक का सफर शुरू किया और उसमें सफल भी हुए। इधर श्रेयस अय्यर भी 77 रन बना गए और जाते जाते जडेजा भी 15 गेंद में पूरे 29 रन लगाकर गए। और इसी के चलते दोस्तों भारत ने स्कोरबोर्ड पर 326 रन तो लगा ही दिए थे। 327 का टारगेट छोटा नहीं था, लेकिन अफ्रीका की टीम की पुरानी परफॉर्मेंसेस को देखकर लगा कि ये लक्ष्य चेज हो सकता है। लेकिन दोस्तों कैसा लगे अगर हम आपको बताएं कि लक्ष्य चेज करने के लिए चाहिए तो शतकीय पारियां थी साउथ अफ्रीका को, लेकिन कोई भी खिलाड़ी 15 से ऊपर बना ही नहीं पाया रन। जी आपने सही सुना, सिराज ने पहला विकेट क्विंटन डिको को 5 रन पर आउट करके दिलाया। इसके बाद दोस्तों जड्डू आ गए, वो टेम्पा बबूमा को बोल्ड कर गए 11 रन पर, और शमी ने भी बैक टू बैक दो विकेट निकाले ड्यूसन और मार्करम को आउट कर 13 व 9 रन पर। इसके बाद तो जडेजा का ही शो चला और दोस्तों क्लासेन, मिलर, साथ ही साथ केशव महाराज जैसे खिलाड़ियों को 7-8 रन पर आउट कर जडेजा ने पूरी टीम को समेटने में पूरे 5 विकेट ले डाले। 83 पर ये टीम ऑल आउट हो गई थी 28वें ओवर में और हम जीत गए थे 243 रन से। और दोस्तों भारत की इसी जीत, कोहली के जबरदस्त शतक और जड्डू की गेंदबाजी पर तो अब तो पाकिस्तानियों ने भी टिप्पणी करना शुरू कर दिया है। आखिरकार पाकिस्तानी दिग्गजों से लेकर खिलाड़ी क्या बोले हैं, चलिए एक एक का बयान आपको दिखाते हैं। सबसे पहले दोस्तों वसीम अकरम ने एक शो में कहा, इसे वर्ल्ड कप ना कह करके अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वर्सेस इंडियन क्रिकेट टीम कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। लग रहा है कि पूरी दुनिया भारत के सामने क्रिकेट खेलना ही भूल गई है। भैया तो वाकई में कुछ और ही मैदान में हुआ, हमने उस टीम को भी हारते हुए देख लिया जिसने बाकी सबको हराया है। वाकई में भारतीय क्रिकेट टीम की गेंदबाजी में वो असीम ताकत आ चुकी है जो शायद उन्हें दुनिया में सबसे पावरफुल बनाए, और जब तक विराट के शतक लगते रहेंगे तब तक तो उन्हें हराना नामुमकिन है। आपको शतक की बहुत बहुत बधाई विराट। तुम्हें दोस्तों अख्तर का भी कहना था, भारतीय क्रिकेट टीम का ऐसा डोमिनेंस मैंने कभी सपने में भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन फिर भी लगता है कि उनकी गेंदबाजी में कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा जादू उन्होंने पैदा कर लिया जो पूरी दुनिया में है ही नहीं, या फिर कहीं ना कहीं गेंद से छेड़छाड़ी की जा रही है। लेकिन मजाक से हटकर विराट कोहली की पारी काबिले तारीफ थी। 49 शतक वनडे में लगाना कोई मजाक नहीं, और जब तक ये लेजेंड इस टीम में है वर्ल्ड कप इनके हाथ से कोई छीन ही नहीं सकता। तो वही दोस्तों आपको बता दें कि बाबर आजम भी कह गए, विराट कोहली मेरी ऑल टाइम इंस्पिरेशन है, और 49 शतक वनडे में लगाना, 50 शतक व्हाइट बॉल में कंप्लीट करना, दुनिया में इकलौते वो ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं और मेरी तरह लाखों और क्रिकेटर्स को भी इंस्पायर कर रहे हैं। साथ ही मुझे भी लगता है कि इस बार के विश्व कप में ना, जब तक कोहली, जड्डू, शमी की ये फॉर्म रहेगी तो उन्हें हराना नामुमकिन है। तो वही दोस्तों आपको बता दें कि आगे चलकर रिजवान ने भी कहा, भारत की जीत देखने की अब आदत सी हो गई है, खास तौर पर विराट कोहली के शतकों की। जो पारी आज उन्होंने खेली वह वाकई में बहुत कुछ सिखा कर गई है। जो धैर्य, जो संयम उन्होंने अपने शतक तक बनाए रखा और अपनी टीम के लिए नाबाद मैदान से लौटे, यही तो एक महान खिलाड़ी की खूबी होती है। विराट से तो बल्लेबाजी में आज मैंने बहुत कुछ सीखा भी, साथ ही ये भी पता चल गया कि भारत की गेंदबाजी जितनी ताकत शायद इस बार पाकिस्तान तो छोड़िए किसी में भी नहीं है। उम्मीद है कि वर्ल्ड कप में जब उनसे अगर दोबारा सामना हो तो हम अच्छा परफॉर्म कर पाए। दोस्तों पाकिस्तानी दिग्गजों से लेकर खिलाड़ियों ने भी विराट, जड्डू क्या पूरे भारत के ही कसीदे पढ़ दिए, और हो भी ऐसा क्यों ना, लग रहा है कि नहीं बल्कि कॉन्फिडेंट है विश्व कप हमारा ही होगा। परंतु आप सभी को क्या लगता है, एक बार फिर से अगर भारत पाकिस्तान का मुकाबला वर्ल्ड कप में हो जाता है तो उसे कौन जीतेगा, भारत या पाकिस्तान? नीचे कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।